माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर माह के पहले दो दिनों के तुला राशिफल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा, इन दो दिनों में कौन से शुभ तिथि नक्षत्र होंगे, कौन सा शुभ योग बनेगा, क्या पर्व होगा जिसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर बेहद अच्छा रहने वाला है। ये दो दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत अच्छे योग इन दो दिनों में बन रहे हैं जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, कामनाओं को पूरा कर सकते हैं, आपकी हर कामना को पूरा कर सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएँ हमारे चैनल के साथ। तो चलिए जान लेते हैं इन दो दिनों के तिथि नक्षत्र योग के बारे में। इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छे दिन से हो रही है, ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। अधिक मास चल रहा है जो भगवान विष्णु का प्रिय दिन पूरा महीना होता है, और ये पूर्णिमा तिथि इस दिन लक्ष्मी नारायण व्रत किया जाता है। और इस ये जो दिन है, इस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, वृद्धि योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। गुरुवार का योग इस दिन है, चंद्रमा मीन राशि में है, सूर्य कन्या राशि में है। तो ये जो दिन है, इस दिन बहुत से शुभ संयोग बने हैं। एक तो गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन है, अधिक मास भगवान विष्णु का माह है, और ये जो व्रत है लक्ष्मी नारायण व्रत, ये भी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जिसकी वजह से ये दिन सिद्ध दिन हो जाता है। 2 अक्टूबर की बात करें तो ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और रेवती नक्षत्र इस दिन रहेगा। इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और इसके साथ गजकेसरी योग बनेगा। दो दो शुभ योग इस दिन बन रहे हैं जो कि बहुत पावरफुल योग होते हैं, इसीलिए ये दो दिन इतने महत्वपूर्ण है। आपके काम में 4 चांद लगाने के ये दिन है। तो ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, तुला राशि की बात कर रहे हैं। तुला राशि के लोगों के लिए अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो 6ठे भाव में चंद्रमा होंगे। 6ठा भाव बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है। 6ठा भाव जो होता है, ये शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही दिन सिद्धि दिन कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि दोनों ही दिनों में बहुत अच्छे योग बने हैं जिनका फल आपको मिलेगा। 6ठे भाव का चंद्रमा आपके अंदर एक ऐसी क्षमता पैदा करेगा, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को विकसित करेगा कि आप अपनी हर परेशानी से आगे निकल सकते हैं, अपनी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। आप में एक अलग तरह की ऊर्जा देखने को होगी जिससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी रुकावट को दूर कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक जिन्होंने कुछ उधार लिया हुआ था, कहीं से पैसा आपने लिया हुआ था, तो उसे भी चुकाने की इस दौरान कोशिश करते हुए नजर आएंगे, तो उनके लिए ये जो समय होगा काफ़ी अनुकूल रहेगा। माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा और ये जो 6ठे भाव का चंद्रमा है विद्यार्थियों के लिए बेहद अच्छा है। विद्यार्थी वो जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। आप अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी एजुकेशन को दे पाएंगे, कुछ अपने टीचर्स की मदद लेते दिखाई देंगे, अपने बड़ों की मदद लेते दिखाई देंगे, तो समय काफ़ी अनुकूल है। कुछ नए नए आइडियाज़ भी आपके लिए आ सकते हैं और अपने विरोधियों पर भी आप हावी रहेंगे, तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी निर्मित हो रही हैं। और ऐसी स्थिति में जो काम है उन पर आपका ज़्यादा ध्यान भी रहेगा। इस दौरान आप अपने हर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर कोई परेशानी होती है और परेशानी में जब हम शांत रहते हैं, तो वो जो आपकी परेशानी में शांत रहने की स्थिति है, वो आपको कुछ नया सोचने पर, कुछ उस परेशानी से निकलने के बारे में बताती है। तो ऐसी जो कला होती है ये बहुत काम आती है। इस दौरान कलात्मक चीज़ों से आपको लाभ होगा और आपकी जो शांत रहने की कला है वो सभी को आश्चर्य में डाल देगी, तो इससे भी काफ़ी लाभ होगा। आपकी सकारात्मक सोच से आप अपनी हर परेशानी को दूर कर पाएंगे। ये समय ऐसा होगा कि आप बहुत सी परेशानियों से निजात पा लेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा समय आपके लिए रहेगा। इस दौरान अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो ये समय किसी भी प्रकार के लोन के लिए आवेदन करने के लिए अच्छा है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसके लिए ये जो समय है काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। इस दिशा में किए गए प्रयास आपके लिए सफल हो सकते हैं। और अगर आप किसी बैंक कर्मी हैं, आप किसी बैंक से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए इस समय काफ़ी अच्छा है। श्रेष्ठ विकल्प आपको चुनना होगा। श्रेष्ठ विकल्प चुनते हैं तो वो आपको कई तरह के लाभ दिला सकता है। तो
तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे कुछ चीज़ों का लाभ उठाना चाहिए। अब अगर हम देखें योगों की बात करें तो इन दिनों को आप किस तरह से अपने लिए खास बना सकते हैं। 1 अक्टूबर का जो दिन है ये पूर्णिमा तिथि है, मलमास की पूर्णिमा, और इस दिन लक्ष्मी नारायण व्रत किया जाता है। कहा जाता है ये व्रत सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति कराता है, धन संपत्ति सुख वैभव में वृद्धि कराता है। इस व्रत को यदि कुमारी युवतियाँ करती हैं तो सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, अगर कुमारी युवक करते हैं तो अच्छी वधु मिलती है। और ऐसा कहा जाता है इस व्रत को करने से आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तिथि का आपको, इस पूर्णिमा का आपको लाभ उठाना चाहिए क्योंकि ये बहुत शुभ योग में है। वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरुवार का समय, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, तो पूरे परिवार के लिए ये व्रत बहुत अच्छे फल देने वाला साबित होता है। आपको किस तरह से इसका कार्य करना है, देखिए अगर आप व्रत करने का संकल्प लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आप अपने संकल्प लेकर भी व्रत कर सकते हैं, जो इच्छा आपकी है उस इच्छा को मन में रखें और व्रत करें। इसके लिए सुबह स्नान करने के बाद साफ सफाई करें, मंदिर को साफ करें, अपने पूजा घर में आप पूर्व की तरफ मुंह करके बैठें, एक चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं और वो कपड़ा बिल्कुल कोरा होना चाहिए। इसके बाद आप उस कपड़े पर माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद आप कुमकुम, हल्दी, अक्षत, रोली, चंदन, इनसे ये सब चीज़ें आप अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही आप लाल पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण व्रत की जो कथा होती है उसे आप जरूर सुनें, इस दिन ये कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन रात्रि के समय पूर्णिमा का जो चांद होता है उसका दर्शन करें और उसकी पूजा करें, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक। क्या लाभ ये आपको देता है, देखिए सौभाग्य में वृद्धि करता है। धन की कामना से करते हैं तो धन जरूर मिलता है, धन की कामना पूरी होती है। अविवाहित लोग अगर विवाह के कामना से करते हैं तो जरूर निश्चित रूप से विवाह होता है और योग्य जीवन साथी मिलता है। सभी सांसारिक सुख मिलते हैं क्योंकि ये सांसारिक सुखों को देने वाला व्रत है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, तो इस दिन का लाभ जरूर उठाएं। 2 अक्टूबर गज केसरी योग बन रहा है, गुरु की कृपा रहेगी, धन आने के प्रबल योग बनेंगे। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। शेयर बाजार में अगर आप काम करते हैं, शेयर बाजार से आप जुड़े हैं, तो वहाँ से अच्छे लाभ की उम्मीदें आपको बनती हुई दिखाई देंगी। अगर आपका पैसा कहीं उधार फंसा हुआ है, कहीं आप का पैसा है तो उसको आप प्रयास कर सकते हैं लेने के लिए, तो वहाँ से आपको आपका पैसा भी वापस मिल सकता है। यानी धन को बढ़ाने का, धन के प्रभाव को करने तेज करने का ये समय है, लेकिन प्रयास करने के सब कुछ मिलेगा, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता, इसलिए प्रयास आपको जरूर करना है। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।